आर्यवृष्ट माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड पानीपत, छात्रों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ अत्याधुनिक शिक्षा देने वाला पानीपत का एकमात्र संस्थान आर्यवृष्ट माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड पानीपत। आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक हरियाणा द्वारा संचालित कक्षा 5वीं से 12वीं तक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश एवं पंजीकरण प्रारंभ। विशेष आकर्षण हवादार तथा हरियाली से परिपूर्ण भवन, सीनियर व जूनियर वर्ग के लिए अलग अलग बिल्डिंग, प्रार्थना भवन व पार्क की सुविधा। विद्यार्थियों के द्वारा रोजाना वैदिक परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चार के साथ हवन तथा यज्ञ के लिए यज्ञशाला, योगा तथा मलखम्ब का प्रशिक्षण, अत्याधुनिक कॉलेज स्तर की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला एवं भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला। राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में लगातार कई वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विज्ञान प्रदर्शनी के लिए मॉडल्स तथा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष मार्गदर्शन, एनसीसी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, स्काउट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, एनएसएस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। विद्यालय की अपनी क्रिकेट एकेडमी एवं ग्राउंड, समय समय पर प्रदेश में लगने वाले शैक्षणिक तथा सामाजिक शिविरों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागिता एवं बेहतरीन प्रदर्शन, शिक्षा एवं खेलकूद में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान, 24 घंटे पावर बैकअप, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम, हर वर्ष 90% से ऊपर परीक्षा परिणाम, स्कूल के इतिहास में 2 वर्षों से लगातार मेडिकल व नॉन मेडिकल के विद्यार्थी परीक्षा परिणामों में हरियाणा में प्रथम स्थान पर रहे, 10.1 में कला वाणिज्य एवं विज्ञान में मेडिकल व नॉन मेडिकल में प्रवेश प्रारंभ, सुशिक्षित एवं अनुभवी प्राध्यापक एवं अध्यापक, पूर्ण सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड पानीपत, प्रिंसिपल श्री जय गोपाल आर्य जी के सार्थक प्रयासों से शिक्षा एवं खेल के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। कक्षा 5वीं से 12वीं तक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश तथा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। संपर्क सूत्र 9728-5711-9782-8454-9255-9259-9251। प्रवेश के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिले प्राचार्य जय गोपाल आर्य जी से। SDVM believes that a better future lies where the children get to learn themselves. At SDVM, academics, subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. It's not just a group of buildings, it's an educational village. At SDVM, we encourage children to think independently and develop their own dreams. I am a huge fan of Virat Kohli and I want to be a cricket player. My dream is to be a police officer. We at SDVM do not believe that education is only about chalk and board. Education is the perfect balance between fun and discipline, between classroom and playground, between academics and co-curricular. Exciting, interactive, celebration of knowledge, pride of Panipat, the home away from home, a complete school. जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की, एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल, हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगन, वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ, अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर, खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतेह करते यहाँ,
खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं, कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। पानीपत के होटल डेज द्वारा जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के प्रयासों को लेकर सनातन धर्म संगठन के लोगों ने समाज सेवी ओम प्रकाश माटा तथा उनके पुत्र सचिन माटा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि माटा परिवार समाज सेवा का कार्य कर रहा है, उसे पूरी उम्र याद रखा जाएगा। माटा परिवार हमें भी याद रखे, इसलिए हमने स्मृति चिन्ह दिया है। सनातन धर्म संगठन से सुभाष गुलाटी ने जहां शहर के सभी संस्थानों का आभार व्यक्त किया, वहीं ओम प्रकाश माटा के कार्यों की सराहना की और कहा कि आज का दिन हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का दिन है। पुण्य के कार्य कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। वहीं सुभाष बाटला ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से भूखे को अन्न प्यासे को पानी पहुंचाने का काम करता है, उस पर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहती है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि माटा परिवार की हमेशा भागीदारी बनी रहे, सामाजिक कार्यों तथा धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहें। आज पानीपत के एडिशनल लेबर कमिश्नर SN शर्मा, समाजसेवी ओम प्रकाश माटा ने जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट पैक किए। वहीं एडिशनल लेबर कमिश्नर SN शर्मा ने होटल डेज की ओर से भोजन वितरित करने की व्यवस्था का जायजा लिया और ओम प्रकाश माटा व उनके पुत्र सचिन माटा की टीम का आभार व्यक्त किया, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए उनके द्वारा किया गया कार्य काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों तक खाने की व्यवस्था को निरंतर जारी रखा जा रहा है। पुण्य काम के साथ साथ समाज में अच्छे नागरिक होने का फर्ज भी माटा परिवार के लोग अदा कर रहे हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश माटा, सचिन माटा, लक्ष्य माटा, दिनेश नायक, सुदर्शन मलिक, सुनील बवेजा, जगदीश परूथी, सूरज पहलवान, सुभाष गुलाटी, सुभाष बटला मौजूद रहे। लेबर कमीशन, लेबर डिपार्टमेंट, पानीपत से। तो आप यहाँ पे आए हैं, हाँ जी, डेज में, और हाँ, यहाँ पे जो सेवा चल रही है उसके बारे में क्या विचार है? यहाँ पे डेज होटल के बहुत ही अच्छा और हाइजीनिक खाना बनाया हुआ है। 3500 आदमियों को ये डेली खाना उपलब्ध करा रहे हैं और पानीपत में और भी संस्थाएं वो भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रबंध है और हमने भी, मैंने भी खुद खा के देखा है, बहुत अच्छा खाना। सर, ऐसे में जो प्रवासी मजदूरों को रोकने का काम किया है इन्होंने, हाँ जी, जो दिक्कत थी, हाँ जी, कितनी आपको लगती है कि दिक्कत दूर होती जा रही है? 90% तो दिक्कत दूर हो चुकी है जी सभी। हाँ, पानीपत के अंदर कोई भी वर्कर बगैर खाने के, बगैर उसके नहीं सोता जी। इस तरह का तो प्रयास चल रहा है, ये जो समाज सेवी लगे हुए हैं, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये बहुत एक अच्छा सराहनीय काम है जी, और मेरा तो इनसे प्रार्थना है कि ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। और इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश माटा जी भी खड़े हैं, जिनकी प्रेरणा से ये सारा काम चल रहा है। माटा साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से समाज की सेवा में लगे हुए हैं और आपका प्रयास बहुत अच्छा है, तो आप जरा बताएं सर, जैसे ये जो प्रयास चल रहा है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे शुरू हुआ एकदम से? मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी ये डेली वेजेस वाले मजदूर थे जिनके पास कोई साधन नहीं है खाने पीने का, फिर उनको रात को खाना पहुंच जाए, कोई भूखा ना सोए, ये पहले दिन से मेरा प्रयास था और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले 1000 पैकेट से स्टार्ट किया था, आज हम 3500 पैकेट डेली पानीपत में भेज रहे हैं और अलग अलग संस्थाएँ ले जा रही हैं, कमिश्नर ऑफिस में भी जा रहे हैं और 7-8 संस्थाएँ ऐसी हैं जो यहाँ से पैकेट ले जा रहे हैं। सर, इस मुहिम में उद्योगपति भी आप जुड़ चुके हैं, शहर के लोग भी जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, इसका धन्यवाद रहेगा सर? मैं तो सभी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस काम में जुटी हुई हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। और जो बाकी उद्योगपति हैं, मेरे तो उनसे भी ये निवेदन है वो भी आगे आएँ ताकि कोई भूखा है वो ना सोए, कोई रह रहा है तो। मटा साहब, बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ता है, समय पे लेबर नहीं मिलती, कर्मचारी नहीं मिलते, ऐसे में आपके कीमती जो लेबर थी,
लाखों रुपए की सैलरी आप उन्हें मुहैया करवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी रसोई चल सके, क्या किस प्रकार की कोई समस्या भी सामने आई? नहीं, कोई समस्या नहीं। जितने हमारे कर्मचारी थे जो चले गए हैं, उसके बाद 25-30 कर्मचारी ऐसे जो नहीं जा पाए, वो यहाँ सारे सेवा में लगे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। कुल मिला के आपके जो सेवादार सेवा ही कर रहे हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, नहीं सेवा नहीं, उनको हम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी संस्थाओं के लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो भी साथ में जुटे हुए हैं, काम करा रहे हैं। आखिरी सवाल है, इस महामारी से बचने के लिए जो लोग आपको शिविर देख रहे हैं उनके लिए क्या अपील है सर? अपील तो दो ही हैं बस, सोशल डिस्टेंसिंग और अपना घर पे रहें, और इसके अलावा और कुछ है नहीं, सबसे बेस्ट तरीका ये। आपके पिताजी ने जो प्रयास शुरू किया है और आप उसको निभा रहे हैं, कोई विशेष बात आप कहना चाहें अपने प्रयास के बारे में? कितने लोग सहयोग कर रहे हैं, कैसे चल रहा है प्रयास? ये प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कम से कम 15-16 दिन हो चुके हैं जो ये डेज होटल से खाना वितरित हो रहा है जरूरतमंद लोगों तक, और हमने ठाना हुआ है जैसे कि 3 तारीख तक लॉकडाउन है तब तक हम इसको पूरा चलाएंगे, और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। और हमारे फादर साहब तो शुरू से ही आप जानते हैं देश के लिए और पूरे हरियाणा पानीपत शहर के लिए सेवा करते रहे, इन्हीं से हमारे को प्रेरणा मिली है, और मैं चाहूँगा इस प्रेरणा को लोगों को भी समझना चाहिए, सारे लोगों को इस समय अच्छे उद्योगपति जितने भी हैं जो सेवा देश के लिए करना चाहते हैं उनको जुड़ना चाहिए इस मुहिम में, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा ना सो सके। पहले तो मैं आप सभी का आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में मुबारक देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक डेज होटल की बात है, डेज होटल हमारे भाई बड़े भाई ओम प्रकाश जी माटा, हमारे अजीज सचिन जी माटा निरंतर, जहाँ तक मेरी जानकारी लगभग 20-25 दिन से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उन गरीब असहाय निर्धन परिवारों की सहायता कर रहे हैं भोजन बनाकर, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है इस टाइम, काम काज बंद पड़े हैं, और ये दूर दूर की बस्तियों में ये जाकर भोजन अपना वितरित करते हैं, इनकी पूरी टीमें यहाँ से भोजन बनाकर ले जाती है और दूर दूर जाकर लोगों को कोई भूखा ना रहे, ये इनका उद्देश्य है। उसके साथ साथ हम सनातन धर्म संगठन जिसके हमारे प्रधान सूरज पहलवान जी हैं, जहाँ पर इनकी टीम नहीं पहुँच पाती वो इनके माध्यम से हम यहाँ से प्रसाद लेकर वहाँ तक दूर तक निजामपुर तक भैंसवाल तक इधर जाकर प्रसाद बांटते हैं जहाँ पर इनकी टीम नहीं जा पाती। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ डेज होटल का भी इनके निरंतर प्रयास के लिए, और आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भी इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य किया जाए पूर्ण किया जाए उसका भी फल कई गुणा होता है, और पाप किया जाए उसका भी फल कई गुणा होता है। आज ये पुण्य के भागी रहे हैं कई गुणा ज़्यादा अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में, हम तो वैसे रोज आते हैं यहाँ से ले जाते हैं, परंतु आज विशेषकर अक्षय तृतीया का हमें मौका मिला है, और मैं इनका सनातन धर्म संगठन की ओर से और अपनी ओर से शिवधाम सोसाइटी की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे सूरज पलवान जी, हमारे सुभाष बठला जी के माध्यम से हमने इनको संगठन की तरफ से एक मोमेंटो आज दिया है, ताकि हमारी याद इनके पास रहे, इनकी याद तो हमारे पास है ही है, और मैं पुनः इनका धन्यवाद करूँ, साथ साथ धन्यवाद करता हूँ हमारे सुनील बवेजा जी का, जो हमारे मित्र भी हैं, अजीज भी हैं, और हमारे संगठन के अजीवन सदस्य बने हैं, उनको भी मोमेंटो देकर आज सम्मानित किया गया है। मेरा सुभाष गुलाटी। सबसे पहले तो मैं आप सबका, पत्रकार बंधु का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस महामारी के अंदर घर से निकलकर पूरा जो पानीपत की दृश्य है सबको दिखा रहे हैं, और दूसरी अक्षय तिथि पर आपके माध्यम से मैं पूरे पानीपत वासी को बधाई देता हूँ, और प्रशासन और विशेष करके जो पुलिस प्रबंधक हमारे साथ ही घर से निकले हैं, डॉक्टर साहबान जो अपने परिवार को छोड़कर हमारे पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पानीपत की जो पूर्ण सारी संस्थाएं हैं, हर आदमी अपने घर से निकला हुआ है और पूरा तन मन धन से, विशेष करके आज हम माता जी के पास कई दिनों से आ रहे हैं, पूरा परिवार पूरे भाव से कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, सभी लोग सेवा कर रहे हैं, और जितनी भी पानीपत की धार्मिक संस्थाएं हैं वह लगी हुई हैं, विशेष करके हमारे सूर्य पहलवान जी सनातन धर्म संगठन जो कि पानीपत की सभी संस्थाओं का मेन बनाया गया है, जितनी पानीपत के अंदर संस्थाएं हैं, और आज हम अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी आज संस्था ने 26 तारीख है अक्षय तिथि पर 650 परिवारों को राशन वितरण किया है जो कि हर मंथ दिया जाता है, और इस महामारी को देखते हुए हमारे साथी
और एमपी मोदी ने आज हमारे वहाँ राशन वितरण किया है और पूरा हम देख रहे हैं कि कई दिनों से पूरी संस्था लगे हुए हैं और हम भी देखते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है जहाँ से हमें राष्ट्रातंत्र का संगठन कोई भी संस्था आवाज़ लगाती है कि हमारे पास पहुँचो, हमारे संगठन हर जगह जाकर सबको पहुँचता है। और विशेष करके मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के लिए डिस्टेंस जो ज़रूरी है, इन बातों को आप लोगों को भी पत्रकार बंधु भी बता रहे हैं, डिस्टेंस रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें, ये बड़ी ज़रूरी बात है। इस लड़ाई हम सब मिलकर अगर करेंगे तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये अंतिम चरण में लड़ाई है। अब अंतिम चरण में अगर हमने इसको खो दिया तो जो हमने पहले दिन से लॉकडाउन हुआ जो 22 तारीख से हमने जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वो दिक्कत आ जाएगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सभी साथी डिस्टेंस रखें और मास्क पहन कर रखें और विशेष करके मैं अपने सभी भाइयों से प्रार्थना करूँगा कि जो फैक्ट्री वाले हैं या परिवार वाले हैं जिसके पास गरीब मजदूर असहाय गरीब हैं उनको अपना राशन बना के दें। और मैं फिर दोबारा पत्रकार बंधु का धन्यवाद करता हूँ और जो साथी जो संस्थाएँ इस सेवा में। पानीपत में पिछले 3 दिन में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कुल 7 कोरोना पॉजिटिव केस 3 दिन में आ चुके हैं। ऐसे में शहर के लोगों में क्या चर्चाएं चल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी, राजनेता, अभिनेता सभी लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग घरों में रहें और नियमों का पालन करें। लेकिन हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका सवाल बना हुआ है कि पानीपत में अभी तक जो कोरोना के केस आए हैं वो पानीपत के नहीं हैं, सारे केस बाहर से आए हैं। आखिर किसकी कमी है, क्या बात है, क्या इनके मन की प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं बजाय जी बात। सर स्वागत है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? सर पानीपत में जो केस आ रहे हैं ये सिर्फ प्रशासन की वजह से आ रहे हैं। आज भी अगर शहर में आप घूमो सुबह 5 से 9 बजे तक सारा शहर खुला होता है। लॉकडाउन में अपनी दुकान के बाहर बैठने का क्या मतलब होता है? मतलब कि दुकानदारी चल रही है और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, तो ग्राहक आएंगे तो कोरोना भी आएगा। तो इसलिए प्रशासन को चाहिए सख्ती से काम लें और पूरी तरह सील रखें। तो कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं कि जो सुबह जो लोगों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। दुकानों के बाहर लोग बार बार चलते हैं, 5 बजे 6 बजे से 9-10 बजे तक वो अंदर ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ सरकार को थोड़ी सख्ती करे तो सारा काम सरकार कोई दबाव नहीं डाल रही, जो मर्जी बैठे जो मर्जी करे वो यही काम करे। तो लोग सरकार की बात तो मान रहे होंगे कि लॉकडाउन की बात आगे का पालन तो हो ही रहा होगा। आगे का पालन हो रहा है डर की वजह से, कोई आ जाए थोड़ा दुकान छोटे लेके नहीं खोल के बच्चे घर से चले तो आप आप जाए 11-8 7 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
पानीपत में भी आज तक केस नहीं आया। केस क्यों नहीं आया? कि हमारे लोग थोड़े सुझाव में हैं, लोग बाहर से जो आ रहे हैं वो सारा फैला रहे हैं, जो बाहर से आया आपको मिल जाए मेरे को मिल, उस वजह से कोरोना बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पानीपत की जनता है इसका जो फॉलो तो कर रही है, लेकिन कुछ जो लोग बाहर के आए हैं ये ज़्यादा नुकसान वाली बात है, समझ कह रहे हैं सर हमारे। सर बताएंगे आप, बताइए युवा हैं, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं लॉकडाउन? सर ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो नाकाम रह ही रहा है, लेकिन साथ साथ पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है कि लोग पास बनवाने के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गलत और झूठे सच्चे प्रमाण पत्र लगाकर वहाँ दिल्ली जा रहे हैं। जैसे मेडिकल का अगर मान लो कोई लगाएगा तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देगा तो हम ही मुर्दाबाद और कुछ ना कुछ बोलेंगे उनके खिलाफ। तो प्रशासन तो उसके खिलाफ, प्रशासन तो है ही कहीं ना कहीं नाकामी रही है कि हम प्रशासन उसको वेरीफाई नहीं कर रहा कि वो आदमी जेन्युइन है या नहीं है, उनको पास अलॉट हो गए और वो दिल्ली चला गया, और दिल्ली जाके वो क्या कार्य करके आ रहा है उसका नहीं पता। क्योंकि दिल्ली में अगर आप फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग का अगर आप लेते हो तो उसके अंदर कहीं शो नहीं करता, आप दिल्ली शो करते हो। तो अगर वो दिल्ली में कहीं भी जा रहा है तो उसको जो पास बन गया उसका तो परमिट हो गया उसको, तो हो क्या रहा है उसके अंदर, उसकी आड़ में गलत काम हो। तो ऐसे में क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए सिविल जो बोल रहे हैं? सर इसके अंदर मॉनिटरिंग के साथ साथ इसके अंदर आधार कार्ड जैसे जो हो ना, आधार कार्ड के तरीके से काम करना, जैसे हम किसी सब्जी वाले से सामान लेते हैं तो उसकी यू आई डी हमारे पास फोटो होता है, कल को अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उससे सभी एक दूसरे से टच में रहेंगे, आज हम इससे 15 दिन इसी आदमी से मिले थे और इसी आदमी को क्वारंटाइन करा जाए या किसी आदमी से मिला जाए, तो होना ये कि उसके अंदर मॉनिटरिंग रहनी चाहिए। तो साफ तौर पर जो मॉनिटरिंग की बात भी है, अगर मॉनिटरिंग होता है तो शायद हम जो दूसरे लोगों से कर सकते हैं। आइए जानते हैं सर आप क्या कहना चाहेंगे, सब किस प्रकार से होना चाहिए? मास्क सील होनी चाहिए, बाजार में रश नहीं होना चाहिए, पब्लिक ध्यान तो देती है, प्रशासन ध्यान देती है, क्योंकि भीड़ देने के बाद
पानीपत में लोग फॉलो कर रहे हैं नियमों को? लोग करते हैं अपने टाइम, पूरा नहीं करते फिर भी सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं तो लोग बाहर के आते हैं गाड़ियाँ लेके अपने माल लेते हैं। तो किशन अग्रवाल जी हमारे साथ है, यही जानते हैं शायद एक सुझाव दे पाए सर, क्या कहना चाहेंगे? दुकानें खुल जाती हैं, लोगों को जीवन भी जीना है और जरिया भी ढूंढना है, तो ऐसे में क्या सुझाव रहेगा सर? देखिए प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ेगी और जो कुछ कार्य होता है वो सारी गलती तो प्रशासन की भी नहीं हम लोग निकाल सकते, क्योंकि हमारा संस्था में काम करते हैं, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो हमारा प्रशासन को भी हम देखते हैं, कहीं जगह पे प्रशासन भी मजबूर हो जाता है क्योंकि हम ही लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं जो एक दूसरे के लिए परमिशन लेने जाते हैं, वो उसकी फेस वैल्यू पे उसके देख के उसको परमिशन दे देता है कि जो ठीक आदमी है ठीक जगह जाएगा। अगर हमारे थ्रू ही कोई गलत आदमी परमिशन ले आए तो सारा कसूर प्रशासन का भी नहीं निकाल सकते, हमें अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने आदमियों को समझाना पड़ेगा कि भाई रोज़ ऐसे जाने का कोई मकसद नहीं बनता। जहाँ तक बात है, आपने बीच में बात की थी कि गृह मंत्री अनिल विज जी ने दिल्ली सरकार को कुछ नोटिस वगैरह जारी किया है, तो मैं तो आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछूंगा कि आप दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर रहे हो, उससे पहले आप अपने प्रशासन को नोटिस जारी करो, जहाँ से परमिशन जाती है अभी दिल्ली जाओ, अपने बच्चों को ले आओ, अपने रिश्तेदार को ले आओ। अगर बिना परमिशन दिए कोई जाता है तो बॉर्डर से जाने क्यों दिया जाता है? पहले तो हमारा हरियाणा का डिपार्टमेंट खड़ा होगा ना, बाद में दिल्ली का आएगा। तो सर अभी आज उन्होंने जारी किया है कि हम ये बॉर्डर सील करेंगे, इसका हुआ है, तो सर ऐसे में क्या लगता है इसको ज़्यादा सही रहेगा? तो जैसे आपने कहा कि आज कहा उन्होंने कि बॉर्डर सील करेंगे, क्या डेढ़ महीने से कोई बॉर्डर सील ही नहीं था? इसका मतलब कि सरकार सबका बेवकूफ़ बना रही है कि भाई बॉर्डर सील कर दिए गए, बॉर्डर सील कर दिए गए। बॉर्डर सील है लेकिन कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई परमिशन के जरिए या किसी अफसरों के मिली भगत से वो लोग इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं, उस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, उसको सरकार रोक सकती है। अगर दिल्ली में दूसरी सरकार है, हरियाणा में दूसरी सरकार है, एक सरकार दूसरे पे ब्लेम करेगी तो काम नहीं चलेगा, दोनों सरकारों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कृष्ण अग्रवाल जी का कहना है कि राजनीतिक बात नहीं है, सरकार किसी की भी हो, इस समय जो महामारी का दौर है इसमें मिलकर ही लोगों को बचाया जा सकता है। जी अशोक सुमिता जी हमारे पास, जी सर क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? मेरा सबसे पहले कहना तो ये है कि जितनी सरकार ने छूट दे रखी है वो छूट बंद करें, उसमें जले कोई प्रधान था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई है, उन्होंने उसको आप होना चाहिए। अगर ये बॉर्डर बंद कर दें और बॉर्डर से ना किसी को आने दें और ना किसी को जाने दें तो शहर के अंदर कोई समस्या नहीं है, समस्या हम लोग और प्रशासन के लोग मिलकर कर रहे हैं। अगर हम लोग सीधे हो जाएं और हम लोग प्रशासन का साथ दें, प्रशासन हमारा साथ दें, तो मुझे नहीं लगता कि शहर के अंदर कोई कोरोना घुस जाए। जो कोरोना घुसता है वो हम लोगों की वजह से ही घुस रहा है। अगर हम लोग दूध वाले को सुबह कहें कि दूध के हाथ ढंग से नहीं किया तो वो दूध हो, तो वो दूध की हमारी आज तक मेरे घर में किसी भी प्रशासन ने किसी दूध वाले के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की होगी। अब सब्जी वालों का था पीछे कुछ दिन पहले, तो सब्जी मंडी में जिनके पास लाइसेंस थे उनको प्रशासन दिए गए 30-35, मुझे जानकारी है कि दिए गए। अब मुझे जानकारी ये मिली है कि कुछ लोगों के दबाव से, जिन लोगों को सब्जी का कोई काम नहीं, लेना नहीं, दूर दूर कोई रिश्तेदारी नहीं, उन लोगों के 65 परमिट इन्होंने कल इशू किए हैं, जिन्होंने कोई कभी सब्जी का पता ही नहीं और जिनकी सब्जी के लाइसेंस है वहाँ बैठते हैं उनको घर बैठा दिया है। इसका क्या मतलब? आपके हिसाब से अभी बॉर्डर जो सील होंगे, इसका लाभ ये है कि जिसको जरूरी है उसको देख के चेक करके ज़्यादा इमरजेंसी है तो भेजा जाए, वरना बिल्कुल ना भेजा जाए। सारे दुकानदारों को घर बिठा दिया गया, मीडियम वर्ग हमारे जैसे लोग रिटेड मिलने से घर बैठे हैं, हमारी क्या गलती है? जो लोग कालाबाजारी करके खाम खामे से पिछले गेट से सामान बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं? उनके लिए प्रशासन सख्त क्यों नहीं? कानून बनाए सब दुकानदारों का, ज़्यादा टाइम बनाए भाई, आज आपने खोलनी है, कल आपने खोलनी है, परसों हर एक का पेट चले, जैसे लेकिन कि प्रशासन के साथ साठ गाड़ उनका पेट तो चलता रहे और जो बेचारे गरीब आदमी वो बिस्तर रहे, ऐसा जुलम नहीं होना चाहिए। हम सरकार को नहीं कहेंगे कि कम से कम सब गरीब का, सब अमीर का, सब मध्यम वर्ग का पूरा ध्यान रखना। बात आ रही है और सभी वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ राजेश भी है, यही जानते हैं उनसे। सर आप अभी सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो केसेस आ रही है क्या लगता है पानीपत से? मैं इसको इसके बारे में मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पानीपत सेफ है, जिस तरह पिछले 2 दिन से लगातार हमारे यहाँ 4 से 5 केस बढ़ चुके हैं और जैसे ही ये मालूम चल रहा है कि उनके साथ 5 केस के साथ साथ जो लोग आगे उनके साथ उनके रिलेशन में उनके साथ जुड़े होंगे उनको उनकी भी चेकिंग हो रही है, ये विस्फोट कितना बढ़ता है
ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे मेरे हिसाब से तो हम लोग, हमारे जो पानीपत के लोग, हमारे जो लोग इस बीमारी को बहुत ही हल्का सा ले रहे हैं। मैं अपने सभी भाइयों से, प्रशासन से और सरकार से एक ही निवेदन करूंगा कि हमारा जो हिंदुस्तान जो है वो अनपढ़ों का देश है। जो पढ़े लिखे देश इस बीमारी को अभी तक नहीं संभाल पाए, और हमारा जो हिंदुस्तानों का ये जो देश है, हमारे जैसे लोग, अनपढ़ लोग, अगर इस बीमारी को हम हल्का ले रहे हैं, अगर इस बीमारी को हमने हल्का लिया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिस जो देश हमारे से इतनी आगे हैं वो इस बीमारी को नहीं संभाल पाए, इसका एक ही कारण है लॉकडाउन। जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया, मैं सरकार से भी और अपने भाइयों से भी और प्रशासन से भी ये निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दबाजी मत करें। अगर जल्दबाजी हमने की तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। हल्के में मत ले, कुछ लोग इसको ना हल्के में ले रहे हैं, भाई हमारे यहाँ बीमारी तो है नहीं, हम घूमते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, मास्क का प्रयोग नहीं करते। उन लोगों के लिए ज़रूरी है भाई, आप असावधानी मत करें, ये फैल सकता है, किसी से कह के नहीं आएगा, थोड़ा अवेयरनेस करें, एक दूसरे को बोल लें भाई आप मास्क लगाओ, आवारा मत घूमो। प्रशासन से भी निवेदन है, खासकर युवा शक्ति सारा दिन तीन तीन चार चार मिल के बाइकों पे घूमते रहते हैं, मटर गश्ती करते रहते हैं, उन पे भी थोड़ा लगाम लगाएं। वो लोग इसको बिल्कुल लापरवाही में ले रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो जैसा हम आपको बता दें कि जो बॉर्डर सीरोनी की बात की गई है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरह से बॉर्डरों को तब्दील कर दिया है, नाकेबंदी में पूरी तलाशी की जाती है, जांच की जाती है, और जिस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, अगर बॉर्डर सील होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, तो काफ़ी हद तक हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। फिलहाल सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी एक ही बात है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उन लोगों को वहीं पर चेक किया जाना चाहिए ताकि वो ऐसे इलाके में ना जाएं जहां दूसरे लोग उससे प्रभावित हों। हमारी पता आजकल के लिए मैं प्रदीप। किसी ने सच कहा है, दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम चाहे पक्षी हो या इंसान, भगवान ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी करेगा। सड़क के बीचों बीच फेंका गया खाने का पैकेट बेशक इंसानों के खाने लायक ना रहा हो, मगर जीव जंतुओं के पेट की आग बुझाने में काम आ रहा है। लॉकडाउन के बाद जीव जंतुओं की चहल पहल पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। गुरसल, गिलहरी, कबूतर, चिड़िया, तोते व अन्य पक्षी व जीव पहले की अपेक्षा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वे भी ज़रूरतमंद हों और लॉकडाउन में भोजन की तलाश में लगे हों, क्योंकि पापी पेट तो भगवान ने हर जीव को दिया है, भूख और प्यास सबको व्याकुल करती है। पानीपत सेक्टर 11-12 स्थित पक्षी निवास में देखरेख करने वाले विजय का कहना है कि लॉकडाउन से पहले यहाँ हर रोज़ पक्षियों की दावत चलती थी, काफ़ी संख्या में लोग तरह तरह का चुग्गा डालने आते थे, मगर लॉकडाउन के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोगों का आना जाना बंद है, तरह तरह का चुग्गा आना भी बंद हो चुका है। ऐसे में पक्षियों की दावत भी अब लगभग खत्म हो चुकी है, अब पक्षी सिर्फ मक्की के दाने खाने को मजबूर हैं। विजय ने बताया कि गर्मी में चावल व बाजरा खाने से पक्षियों के अंडे खराब हो जाते हैं, इसलिए पक्षी चावल व बाजरा नहीं खाते। इस मौसम में मक्की के दाने और गेहूँ के बीज चुग्गे में डालने चाहिए। एक समाजसेवी द्वारा मक्की के बोरे हर हफ्ते भेजे जाते हैं, मगर अगर कोई समाज सेवी गेहूं उपलब्ध करा दे तो पक्षियों की सेहत अच्छी रहेगी। विजय अपने परिवार के साथ वहीं रहता है, वह पक्षियों को अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है व उन्हें पालता है व चुग्गा देता है। उसने अपील की है कि यदि समाज के लोग पक्षियों के लिए गेहूं का इंतजाम कर दें तो पक्षी भी खुश हो जाएंगे। इस समय हम खड़े हैं हुड्डा के पक्षी स्थल पर, जहाँ पर पक्षियों को दाना डालने के लिए लॉकडाउन से पहले भारी संख्या में लोग पहुँचते थे। सुबह और शाम को लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बाजरा, गेहूं, मक्की, नाना प्रकार की जो पक्षियों की खाने की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर दिया जाता था। लेकिन अब लॉकडाउन में क्या हालात हैं यहाँ के,
जानते हैं विजय से, जो यहाँ पर इन देखरेख में लगा हुआ है, कि आखिर अब क्या तस्वीर सामने है। जी विजय जी, बताइए क्या हालात क्या है। हाँ जी, मेरा नाम विजय है, मैं यहाँ देखभाल में रहता हूँ। लॉकडाउन से पहले बहुत लोग यहाँ दाना पानी डालने जाते थे इनके, और इसके बाद में अब एक दो संस्था के आदमी हैं जो कि पहुँचा देते थे, अब वो एक ही आदमी पहुँचा रहा थोड़ा बहुत, और इनका दाना पानी दिन पे दिन कम होता जा रहा है, उनको कोई सहयोग दे। तो इनका आप कैसे अब कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप इन तक दाना पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? अब मैं चाहता हूं कि मेरी भी सहायता हो और पक्षियों की भी सहायता हो, लोग इनकी मदद करें और पक्षी रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। तो आप ये बताइए, आपके परिवार में कितने आदमी हैं? और आप जब मेरे परिवार में दो मेरे पास बच्चे हैं, एक लड़की है, तीन बच्चे हैं टोटल मेरे पास, और पांच जी हैं हम, और काम धंधा भी नहीं है हमारे पास भी। तो पहले आप बांटते थे, आप खुद भी गेहूँ डालते थे? हाँ, खुद भी थोड़ा बहुत, मेरा बर्तन वर्तन बिक जाता था तो मैं अपनी तरफ से भी डालता था। अब संस्था से यही अनुरोध करता हूँ इनका ख्याल रखें। तो पेशे से विजय कुमार का काम करते थे, और इनके पास जो अपना गेहूं था वो यहाँ पक्षियों के लिए डालते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद इनका जो गेहूं की मात्रा है वो ख़त्म हो चुकी है, और ये भी लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है इंसान और पशु पक्षियों के लिए। फिलहाल विजय अब इस आस में बैठा है कि कोई व्यक्ति जरूर आएगा जो पक्षियों की तरफ ध्यान देगा और फिर से इन पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में दाना पानी मिल सके। पानीपत आजकल